अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं दिगर शोबे, जिसमें इतलाती टेक्नोलॉजी एक छोटा सा नुक्ता नज़र है, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी मालूमात है। इतलाती टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर, हमने देखा है कि ये कंप्यूटर है। इसमें कंप्यूटर जैसे ही शुरू होता है सो वो अपने मेमोरी को, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हिदायत देता है। वो मेमोरी के ज़रिए स्टार्ट होता है, हम उसको फौरन हिदायत नहीं दे सकते। उसके बाद जैसे ही स्क्रीन पर हमें दिखता है, ये पूरा डेस्कटॉप है, इसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। यहाँ पे एक खूबसूरत कुदरती मंजर दिखाई दे रहा है, जिसे हम वॉलपेपर कहते हैं। ये डेस्कटॉप का एक वॉलपेपर है और यहाँ पे छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को आइकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकॉन्स। अगर हम इसके ऊपर अपने माउस के ज़रिए, ये हमारा माउस है, ये वायर वाला माउस है, बिना वायरलेस यानी वायरलेस वाला भी माउस होता है, इसके ज़रिए हम किसी भी आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर वो आइकॉन्स यानी वो एप्लीकेशन की एक छोटा सा सिंबल है, तस्वीर है, जिसके ज़रिए वो ओपन होता है। माउस की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये हमने ओपन किया है। सो इस तरीके से ये माउस इस डेस्कटॉप पे काम करता है। अब नीचे यहाँ पे एक टास्क बार होता है, जिसमें हमें जो एप्लीकेशन रोज़मर्रा के काम में आती है, उन एप्लीकेशन को हम सेटिंग में जाके, यहाँ पे जाके हम उनको पिन टू टास्क बार के ज़रिए कर सकते हैं, जिससे हम उसको फौरन यहाँ से नीचे से ओपन कर सकते हैं। इसे कहते हैं टास्क बार। ये होता है कंप्यूटर का कीबोर्ड, जिसके ज़रिए हम नंबर, अल्फ़ाबेट वगैरह, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और बहुत से एक्शंस, और यहाँ से हम हमारे कंप्यूटर को हिदायत दे सकते हैं कि हमें ये टाइप करना है या ये सॉल्व करना है। इस तरीके से इसका एक पीसीयू होता है, जो कंप्यूटर के नीचे रखा हुआ होता है या बाजू में रखा हुआ होता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेडफोन्स हैं, हमें अगर वीडियो सुनना है, मूवी देखना है, गाने सुनना है, गीत सुनना है या किसी भी तरीके का ऑडियो वीडियो हमें सुनना है, सो ये हेडफोन हम पीसीयू में लगा के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इतलाती टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की मालूमात आज हासिल की। बच्चों, आप इस तरीके से अपने घर पे जो भी अपना डेस्कटॉप है, स्कूल में है या किसी लैब में है, वहाँ जाके इन सब बातों की मालूमात हासिल कर सकते हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया।